हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12th की जो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, मैथमेटिक्स समाकलन की जो प्रश्नावली है 7.6 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है, ठीक है। और ये प्रश्नावली है बड़ी आसान, तो बिना किसी देरी की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो इंट्रोडक्शन की हम बात करें, जैसे आप अवकल पढ़ते थे, दो फलन होती थी तो आप क्या करते थे, दो फलन का गुणा होता है अवकलज का, कि पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज, ये होता था ना। तो पहले और दूसरे को आप किसी को भी मान लेते थे। लेकिन लेकिन भाई, समाकलन में ये नहीं होता। समाकलन के लिए एक प्रॉपर नियम है। जैसे अगर मैं बताऊं, यहाँ पर एक उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप, मैंने एक उदाहरण लिया है, यहाँ पर दो फलन है, एक फलन ये है दूसरा फलन ये है, इनकी गुणा हो रही है और हमें इनका क्या करना है, समाकलन करना है। तो क्या किसी को भी फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं? नहीं, किसी को भी हम फर्स्ट सेकंड नहीं मान सकते। इसके लिए पूरी की पूरी एक नियम चलती है। वो नियम क्या है? वो नियम है भैया आईलेट। आप कहोगे सर ये आईलेट क्या होता है, तो मैं अभी आपको एग्जांपल देके पूरा फुल फॉर्म समझाता हूँ। आई का मतलब हुआ इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, जैसे कि 1, 2, 3 ये सब, या फिर यहाँ पर इनवर्स भी हो सकता है। एल का मतलब है लॉगारिथम से, ठीक है, जो यानी कि जो लॉग वाले होते हैं, लॉग एक्स, ठीक है ना, लॉग 2x, ये सब। ओके, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक, क्या होता है एलजेब्रिक, यानी कि x 2x ये सब। एंड टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि साइन एक्स, ठीक, कॉश एक्स, टेन एक्स, ये सब। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, फॉर एग्जाम्पल a की पावर x, a की पावर 2x, इस तरीके की चीजें। तो ये इनका ऑर्डर होता है। तो पहले प्रायोरिटी जो दी जाती है, पहले जो वरीयता दी जाएगी वो इंटीजर को दी जाएगी, उसके बाद लॉग को दी जाएगी, उसके बाद एल्जेब्रिक को दी जाएगी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक को दी जाएगी, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल को दी जाएगी। ये सीरीज चलती है, ये ऑर्डर होता है। तो अगर इस प्रश्न में आ जाए, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इसको हम पहला बोल देंगे और इसको हम दूसरा बोल देंगे, ठीक है। जब मानने की बात आएगी तो इसको हम पहला बोलेंगे और इसको हम दूसरा बोलेंगे। कोई डाउट? ये जो समझ गया, इसको दो बार पढ़ लीजिएगा। आई लेट, आई का मतलब इंटीजर, एल का मतलब लॉगारिथम, ए का मतलब एलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ये दिमाग में अपना डाल लीजिए। अब पहला गुना दूसरा है तो इसका नियम भी होगा, सूत्र भी होगा। तो ये सूत्र, अगर दो फलन की गुणा हो रही है और उसका हमें समाकलन करना है, तो इसका सूत्र क्या होता है? पहला फलन बाहर आ जाएगा, फिर क्या होगा, दूसरे का समाकलन होगा, माइनस, फिर क्या होगा, समाकलन का चिन्ह लगेगा और फिर लग जाएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का क्या होगा, समाकलन, दूसरे वाले का समाकलन गुणे में, और फिर ब्रैकेट बंद dx, अब पूरे का समाकलन। इसे दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, कॉपी में दो चार बार लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैं ऐसे बोल देता हूँ, पहला गुणा दूसरे का समाकलन, माइनस, समाकलन लग जाएगा, ब्रैकेट लगेगा, पहले वाले का अवकलज होगा, गुणा दूसरे का समाकलन होगा, फिर ब्रैकेट बंद होगा, dx आ जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। क्वेश्चन करो तो करोगे ना, उसके साथ हैबिट में आ जाता है, याद करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। इतना चीज है। उसके बाद, इसके बाद आता है भाई एक प्रमेय, बहुत ही शानदार प्रमेय है ये। जो प्रमेय है ना, बड़े से बड़े क्वेश्चन को एकदम फट से चित कर देता है। बड़े से बड़ा इंटीग्रेशन 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है, सेकंड। अगर इस प्रमेय का प्रयोग नहीं करोगे तो वही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे 10-10, 12-12 मिनट में, और कहाँ 2-2, 3-3 सेकंड, ठीक है। ये प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय की खासियत है कि भैया, अगर आपके पास समाकलन कर रहे हो और गुणे में है e की पावर x, ये होना अनिवार्य है, e की पावर x होना अनिवार्य है। हर प्रश्न में नहीं लगेगा, जिनमें e की पावर x होगा उनमें ही लगेगा, ठीक। ब्रैकेट लग जाएगा फंक्शन x है, प्लस उस फंक्शन का पूरा अवकलज यहाँ मौजूद है f(x), तो उसका समाकलन क्या होता है, e की पावर x (f(x)c, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको सर उदाहरण दे दो, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, समझाओ। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, मेरे पास प्रश्न है कि समाकलन कीजिए e की पावर x
एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स, इसका समाकलन क्या होगा? अब कई लोग इसको हल करने लग जाएंगे, मेरे को देखते इसको आंसर पता लग गया कि भैया इसका आंसर क्या होगा, 2 सेकंड में आ गया, क्योंकि मैंने क्या देखा कि इधर e की पावर x है, ये फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलज क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x पूरा होना चाहिए, तो ये क्या है उसका अवकलज, पूरा होना चाहिए, ये नहीं कि भैया सिर्फ x लिख दिया, अगर सिर्फ x होता तो बात नहीं चलेगी, पूरा का पूरा 2x होना चाहिए तो ही होगा, पूरा अवकलज यहाँ मिलना चाहिए, वो भी प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया, ये फंक्शन x है और उसका अवकलज यहाँ मौजूद है, तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x फंक्शन x, तो फंक्शन x क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c, जहाँ c हमारा समाकलन निदांक है, तो ये इसका उपयोग है, छोटा सा उदाहरण लेके मैंने आपको समझा दिया, आगे समझ में कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो ये मैंने आपको बोला ना, ये जो इसको हिंदी में बोलते हैं खंडशा समाकलन, क्या बोलते हैं खंडशा समाकलन, जब दो फलन आपस में गुणे में होते हैं ना, उसे खंडशा समाकलन कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं पार्शियल, पार्शियल पार्शियल नहीं बोलते, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न में 7.6 में, ठीक है, कह रहे हैं 1 से लेके 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी उदाहरण हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे गए, वो मैंने पहले ही करा दिए कल के वीडियो में, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जरूर देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा रखे हैं, और क्वेश्चन बैंक करा रखा है, मॉडल पेपर करा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं, फ्री में है, लोग तो पैसे लगे पढ़ाते, मैं फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में आप एक बार देखोगे आपको मज़ा ही आ जाएगा, जाके देखिएगा, और सारे क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। इस प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं 1 से लेकर 22 तक के फलनों का समाकलन कीजिए, तो मैंने आपको शुरू से हैबिट में लगाया है, क्या लगाया है कि आई मान के चलो, इस आई का उपयोग कभी भी हो सकता है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसलिए मैंने आई मान लिया स्टार्टिंग पे ही। आप नियम जानते हैं, क्या नियम जानते हैं, आई लेट एल्जेब्रिक, उसके बाद आता ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे, ठीक है। खंडशा समाकलन का नियम लग जाएगा, तो इसमें क्या होता है, पहला बाहर गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लग जाएगा, पहले वाले का अवकलज समाकलन दूसरे वाले का, फिर पूरे का समाकलन, ये हमने सूत्र में रख दिया जो भी लिखाया था मैंने आपको, ठीक है। करते हैं हल, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉश एक्स, इंटीग्रेशन एक्स का अवकलज क्या होता है, एक एक्स के सापेक्ष, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉश एक्स, और ये बाहर से क्या है डी एक्स, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा माइनस के एक्स कॉश एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। कॉश एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ठीक, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है, बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, जहां सी आपका समाकलन नेतांक है, सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नितांक है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया। ये क्वेश्चन आपके छोटे नंबर में भी आ सकता है और बड़े नंबर में भी आ सकता है, वो आपकी किस्मत होगी कि आपको छोटे नंबर में मिलता है या बड़े नंबर मिलता है, लेकिन आएगा जरूर एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला प्रश्न है, इसको हल करते हैं। माना इंटीग्रेशन को आई मान लो, एक्स साइन थ्री एक्स, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आई लेट वाला नियम लगाओगे
तो एल्जेब्रिक पहले आता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि साइन वाले, इसको सेकंड मान लिया। अब लगाओ फर्स्ट इनटू सेकंड, पहला गुणा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज गुणा दूसरे वाले का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस के कॉस एक्स, और एक्स का गुणज क्या है? तीन, वो भट्टे में आ जाता है। अवकलज में गुणे में आता है, समाकलन में भट्टे में। फिर देखो एक्स का अवकलज एक होता है एक्स के सापेक्ष। साइन एक्स का साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के कॉस थ्री एक्स। एक्स का जो भी गुणज है वो क्या होता है? भट्टे में आ जाता है, बाहर से क्या है डी एक्स। ये हो गया माइनस के एक्स कॉस थ्री एक्स भट्टे में तीन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक बट्टा तीन कॉस थ्री एक्स डी एक्स। देखिए कॉस एक्स का कंडीशन क्या होता है? साइन एक्स, और एक्स का गुणज क्या है पर? तीन, वो बट्टे में आ जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स कॉस थ्री एक्स बट्टे में तीन, और तीन दिया नौ। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया, ठीक। जहां सी हमारा क्या दोस्तों? एक समाकलन नियतांक, ठीक है। सी हमारा क्या दोस्तों? एक समाकलन नियतांक है। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा जरूर देखना है। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पीपीटी में कुछ अजीब लग रहे हैं, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ कि सही है, उल्टा ना कर दें हम। क्या है ये? तीसरा क्वेश्चन है, 7.6 तीसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स, ठीक है। तो देखो मान लेंगे आई मान लें, और ये है एक्स स्क्वायर की पावर एक्स डी एक्स। नियम क्या होता है? आईलेट, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में होता है, तो ये सेकंड आएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक पहले आ जाएगा। लगाओ फर्स्ट इनटू सेकंड, फर्स्ट बाहर सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलज फिर समाकलन दूसरे वाले का फिर ब्रैकेट बंद पूरे का समाकलन। इक्वी पर एक्स का समाकलन इक्वी पर एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा? टू एक्स, और इक्वी पर एक्स का समाकलन क्या होता है? इक्वी पर एक्स, बाहर से आ गया डी एक्स। ढंग से लिखो, टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स इक्वी पर एक्स डी एक्स। इसमें फिर से फर्स्ट इनटू सेकंड लगेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, ठीक है। ये तो हो चुका एक्स स्क्वायर की पावर एक्स, टू बाहर ब्रैकेट लगा लो, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लगा लो पहले वाले का अवकलज होता है फिर दूसरे वाले का समाकलन होता है और फिर पूरे का समाकलन होता है, ब्रैकेट बंद। एक्स इक्वी पावर एक्स का समाकलन इक्वी पावर एक्स, एक्स का अवकलज करोगे एक आ जाएगा, और इक्वी पावर एक्स का समाकलन क्या होता है? इक्वी पावर एक्स, ठीक है। यहां से बाहर से क्या डी एक्स। कहीं पे भी डाउट हो दोस्त, वीडियो को पॉज करके या बैक करके एक बार दोबारा जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहां से क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर इक्वी पावर एक्स, दो से अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा टू एक्स इक्वी पावर एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
और e की पावर x से कम e की पावर x समाकलन dx। ठीक है, e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x, समाकलन खत्म। इंटीग्रेशन में क्या जोड़ दिया, c, जहां c हमारा क्या है, एक समाकलन नितांक है। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, एक नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा भैया, आई लेट का नियम लगाओ, आई लेट, ठीक, लॉगरिथम पहले आ रहा है, एलजेब्रिक बाद में आ रहा है, ठीक है, लगाते हैं नियम, लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता, ये पहले आ जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक, लगाओ, फर्स्ट वैसे के वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज, दूसरे वाले का समाकलन, गड़बड़ कर दिया ना, पहले वाला तो लॉग एक्स है, पहले वाले का अवकलज, दूसरे वाले का समाकलन, ठीक, समाकलन के जितने भी सूत्र आपने पहले सीख रखे वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये log x, x की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बट्टे में 2, और यहाँ देखिए इंटीग्रेशन है, log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बट्टे में 2, और बाहर से क्या है, ये dx, यहां से देखो एक घात कम हो जाएगी, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बट्टे में 2, एक के बट्टे में 2 बाहर, और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी एक्स डी एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बट्टे में 2, यहां से क्या हो जाएगा, पावर में 1 है, एन प्लस 1 बट्टे एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बट्टे में 2, एक पावर बढ़ जाती है वही पावर नीचे आ जाती है ना, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, तो ये हमें ढंग से लिख देना आंसर, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बट्टे में 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 × 4 प्लस सी, जहां सी हमारा समाकलन नितांक है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीब है यार, x x log 2x है ना, हाँ x log 2x है, पीपीटी जब यहाँ इंपोर्ट किया ना, अजीब हो जा रहे हैं फॉन्ट, आई मान लेना है x log 2x dx, ठीक, तो log वाला फर्स्ट हो जाएगा, एलजेब्रिक वाला सेकंड हो जाएगा, ये तो और आसान है, तो पहला वैसे का वैसे गुण है, दूसरे का समाकलन माइनस, समाकलन ब्रैकेट लग जाता है, पहले वाले का अवकलज लॉग 2x, ठीक है, और ये हो गया सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन सूत्र में रख दिया हमने। अब यहां देखो लॉग 2x, x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर बट्टे में 2, log 2x का अवकलज क्या होगा, 1/2x, ये तो log का हुआ, अब 2x का अवकलज क्या होगा, x का जो भी गुणज है वो गुणे में लग जाएगा 2, और x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर बट्टे में 2, इस 2 से ये 2 कटा, और साथ ही साथ एक पावर यहां से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहां बचेगा x स्क्वायर log 2x बट्टे में 2, 1/2 बाहर आ जाएगा, यहां से सिर्फ x बचेगा x dx, तो ये हमें मिल जाएगा x स्क्वायर log 2x बट्टे में 2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बट्टे में 2, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 4,
ठीक, जहां सी हमारा क्या एक समाकलन नीतांक है। बड़े आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, ठीक है। माना आई करके मान लोगे, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, ब्रैकेट लगाओगे, पहले वाले का अवकलज गुणे दूसरे वाले का समाकलन, ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक पावर जोड़ दो वही पावर नीचे आ जाती है। लॉग एक्स का अवकलज क्या होगा, एक के बट्टे में एक्स, और एक्स की पावर दो का समाकलन क्या होगा, एक पावर बढ़ जाती वही पावर नीचे आ जाती है, ठीक। तो देखो यहां से एक्स की पावर तीन लॉग एक्स बट्टे में तीन, और एक बट्टे तीन बाहर आ जाएगा और एक घात यहां से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। ये आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ा दो तीन वही पावर नीचे आ जाएगी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। तो आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स बट्टे में तीन, तीन तिया नौ, एक्स की पावर तीन प्लस सी, और ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो या कोई दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। सेम चीज क्या है यहां पर, साइन इनवर्स है, हाँ साइन इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ढंग से लिख लेते हैं, पहले माना आई जरूर मान ले, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, यह है एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। आई लेट के नियम के अनुसार, आई का मतलब इंटीजर भी होता है और इनवर्स भी होता है, ठीक है। तो इनवर्स है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, तो इसको पहला मानेंगे, और एल्जेब्रिक को हम क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे, ठीक। लगाओ नियम, पहला वैसे का वैसे, ठीक, गुणे दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट इंटीग्रेशन, फिर लगेगा ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। क्वेश्चन शानदार है और इंपॉर्टेंट भी है। एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, इसकी पावर एक है ना, एक पावर जोड़ दी जाती है वही पावर नीचे आ जाती है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलज होता है वो होता है अंडर रूट के वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में दो डी एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है, बहुत से तरीके हैं। देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं, सिंपल वाला मेथड भी बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर बट्टे में है दो, इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स से गुणा मत कर देना। अब देखो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मैंने एक एक्स स्क्वायर है ना, माइनस चाहिए तो माइनस से गुणा और भाग करना पड़ेगा। इस माइनस को मैं अंदर भी ले सकता हूँ ना, अगर मैं यहाँ प्लस लिख दूँ, इसको मैं प्लस कर दूँ, इस माइनस को मैं अंदर ले सकता हूँ। तो मैंने एक जोड़ा, एक्स स्क्वायर है, एक जोड़ा और एक घटाया भी, कोई फर्क पड़ेगा, इसको हल करोगे तो ऊपर जो है वही आ जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा,
इसके भी और इसके भी, ठीक है, अलग अलग क्या ले लिया, बट्टे ले लिया, इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा और ये जो एक बट्टे दो है वो बाहर आ जाएगा, एक जैसे पद बना दिए। ये देखो ये एकदम से नहीं आता है, ये आता है प्रैक्टिस से, रिवीजन से। अब कहोगे सर ये कैसे कर दिया, तो ये कोई नई चीज मैंने आपको नहीं बताई, आपने पहले ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं 7.1 में, 7.2 में, 3 में, ऐसे प्रश्न आपने बना के रखे हैं। अब तो आप 7.6 पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपका दिमाग कहेगा कि भैया ये ऐसे दिख रहा है ऐसे करो आप, ठीक है। ये कब करेगा, कब कहेगा आपको आपका दिमाग, जब आपने शिद्दत से पढ़ाई की होगी, जब आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, प्रश्नों को ढंग से बार बार सॉल्व किया होगा, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चीज़ों को बोलेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बट्टे में दो, अलग अलग ले लो, इसकी पावर देखो कुछ नहीं है तो एक है, एक और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में आधा, तो इसकी पावर एक और इसकी पावर आधा, एक में से आधा घटाएंगे क्योंकि भाग देने पे क्या होता है, घटता है, एक में से आधा घटाओगे आधा बचेगा, और आधे का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है, प्लस एक बट्टे दो, अंडर रूट के अंदर है 1 - x²dx, ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये सीधा सीधा क्या बन गया फॉर्मूला। फिर ये माइनस है 1/2 और ये है 1 / √1 - x²dx, ये भी फॉर्मूला बन गया और ये भी फॉर्मूला बन गया। अब आपको अगर सूत्र याद है तो आप रखो और हल कर दो। मैं हमेशा डे वन से बोलते आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है समाकलन में, मैंने पहले बोला कि भाई सूत्र है, तरीका तो बाद में बोला मैंने, क्योंकि जिस बच्चे को सूत्र याद है ना वो समाकलन आराम से बना सकता है, जिसको आता भी है तरीका आता है लेकिन सूत्र याद नहीं है वो यहीं पे आके जाके आके रुक जाएगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, है ना। तो सूत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे सूत्र हैं तो रटने पड़ेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा सूत्रों को, बार बार लिख के बार बार प्रैक्टिस करके बड़े बड़े चार्ट में दीवारों के सामने चिपका दो, पॉकेट नोट्स बनाओ, चलते उठते बैठते हमेशा पढ़ो, ठीक है, तभी आपके दिमाग में छपेंगे। तो देखो ये जो सूत्र है ना, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ए वन को मैं लिख सकता हूँ 1² - x², तो ये सूत्र होता है अंडर रूट a² - x², ये वाला फॉर्मूला होता है। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है वो इस प्रश्नावली में नहीं, आगे की प्रश्नावली में मिलेगा, तो इस चीज़ का मैंने ध्यान नहीं रखा था, क्योंकि मैंने जब देखा कि हाँ भाई यार ये वाला फॉर्मूला तो अभी तक हमने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, तो आपको याद नहीं होगा, तो मैंने यहाँ लिख लिया पहले, क्योंकि जब एग्जाम में जाओगे तो प्रश्नावली के हिसाब से प्रश्न नहीं आएंगे, वहाँ से तो कोई से भी प्रश्न दे दिया जाएगा, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी तो मैंने इसको ऐसे कर दिया था। अब आगे ऐसा एक प्रश्न एक दो और आने वाला है तो उसमें मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्रश्नावली में ये प्रश्न फॉर्मूला अभी है नहीं, वो अगली प्रश्नावली में आएगा, तो अगले में आए या अभी आ जाए याद तो करना ही पड़ेगा, जब याद करना है तो मैंने यहाँ लिख दिया है, अब इसको मैं इस फॉर्मूले से लगा के खोल सकता हूँ। और ये तो फॉर्मूला पहले से जानते हो, 7.1 में ही मैंने लिखवा दिया था कि भैया इंटीग्रेशन में अगर dx बटे अंडर रूट 1 - x² हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x, अगर नेगेटिव में लिखना है तो कॉस इनवर्स x। अब सूत्र में लगा दो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो रखा है, इसके आगे यहाँ कर रहे हैं हम x² साइन इनवर्स x बट्टे में है 2 प्लस 1/2। अब देखो यहाँ a के जगह पे 1 है और x के जगह पर x है, तो लगाओ x के जगह पर x a में 1 - x² बट्टे में 2 प्लस a² 1 का स्क्वायर, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख देता हूँ साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक, और इसके जगह पे क्या जाएगा -1/2, इसके जगह पे क्या जाएगा साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दोगे और ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर, हो गया बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ऐसे सॉल्व होता है प्रश्न, मेन चीज क्या है, सूत्र है। इस प्रश्न में आ जाते हैं, सेम टू सेम लेवल का क्वेश्चन है, तो देखो कैसे होगा, माना i बराबर, i हमारे पास क्या है x tan इनवर्स x
dx है, ठीक है। तो इनवर्स वाले को पहला मानते हैं, ये हो जाएगा दूसरा। लगाओ नियम, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे वाले का समाकलन, माइनस समाकलन ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन गुणे में, और फिर पूरे का समाकलन। एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पट्टी में दो, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर पट्टी में दो, बाहर से ये डीएक्स है। अब देखो ये बट्टे का दो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, मैं क्या करूंगा एक जोड़ा और एक घटा दिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग बट्टे ले लूंगा, ये तो समाकलन हो चुका ऑलरेडी, एक बट्टा दो वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बट्टे में ये लेंगे और इसके बट्टे में ये लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डीएक्स बट्टे में एक बट्टे दो भी तो है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कट के कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा डीएक्स। तो यहां से डीएक्स बचा, डीएक्स कंडीशन क्या होता है, ओनली एक्स, एंड यहां से वन बाई टू, ये तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का, टेन इनवर्स एक्स का, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, थोड़ा ढंग से लिख दो, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बट्टे में है दो माइनस के एक्स बट्टे दो प्लस टेन इनवर्स एक्स बट्टे में दो प्लस सी, ठीक। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखें, ठीक। आगे बढ़ते, अगले प्रश्न में आते, कॉश इनवर्स एक्स है, ठीक है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, साइन इनवर्स था ना, तो इसको मैं कॉश दे रखा है, माना ठीक है ये है। तो आइलेट के नियम के अनुसार इनवर्स वाला पहला होता है, ये वाला दूसरा हो जाएगा। लगाओ नियम, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन, समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट लग जाएगा, पहले वाले का अवकलज समाकलन दूसरे वाले का, फिर पूरे का, ठीक। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, कॉश इनवर्स एक्स, एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे में दो, कॉश इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा अवकलज, वो होता है माइनस के अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे में दो, और बाहर से यहाँ क्या है डीएक्स। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर कॉश इनवर्स एक्स बट्टे में दो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये क्वेश्चन फिर से वैसा बन गया है जैसा अभी किया था ना, यहां से देखो फिर से वैसा बन गया यहां पर, ठीक है ना, आंसर वही आ जाएगा फिर से, लेकिन मैं इसको दूसरे वे में करूंगा, ये सूत्र नहीं लगाऊंगा, दूसरे तरीके से करूंगा, ठीक है, जिसमें वो सूत्र लगा लगाना पड़े, ठीक। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कुछ ट्रिक देख लिए, जब कभी भी समाकल के प्रश्नों में बट्टे में यहां पर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो आपको क्या करना होता है, एक्स की जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा मानने से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह पर टेन थीटा मानने से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना। तो यहां देखिए यहां पर क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं अगर एक्स की जगह साइन या कॉस मानता हूं तो क्वेश्चन आराम से बोल
सॉल्व हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, बस इसकी बात करनी है। ठीक, तो माना एक्स को मैंने क्या मान लिया, साइन थीटा मान लिया। ठीक, एक्स को मैंने क्या मान लिया, साइन थीटा। करो अब कल जब एक्स के सापेक्ष डी एक्स बट्टे डी थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फलज कॉस थीटा, यानी कि डी एक्स की जगह पे क्या जाएगा, कॉस थीटा, ये बट्टे के इधर के क्या जाएगा, गुणे में आ जाएगा डी थीटा। इसको हम अलग से सॉल्व कर देना, इसको आई वन बोल देते, फिर हल करके यहाँ पर हम मान अलग से रख देंगे यहाँ पर। ठीक, आई वन, इस वाले पार्ट को हम आई वन बोल रहे हैं। देखो आई वन क्या हो जाएगा, एक्स की जगह आपने क्या माना, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग। ठीक, बट्टे में एक्स की जगह आपने क्या माना, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह क्या जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब आगे देखो, साइन थीटा यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एंड रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डायरेक्ट। इससे ये क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, खोलना पड़ता है। साइन स्क्वायर को जो हम खोलते हैं, इसका सूत्र होता है वन माइनस कॉस टू थीटा बट्टे में दो, रखो यहाँ पर, तो यह आ जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा बट्टे में दो, यहाँ पर डी थीटा, तो वन बाई टू डी थीटा, वन बाई टू कॉस टू थीटा डी थीटा, अलग अलग ले लिया इंटीग्रेशन डी थीटा, थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी थीटा का थीटा हो जाएगा बट्टे में दो, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू थीटा, थीटा का गुणज क्या है, दो, वो बट्टे में लग जाएगा। ठीक है, प्लस सी तो हम बाद में रखेंगे जब यहाँ रख देंगे। तो अब देखो यहाँ से क्या है, थीटा का मान रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक्स में दे रखा है, आपने यहाँ थीटा में लेके आ रहे हो, वो तो थीटा आपने खुद से अज्यूम किया है ना, माना है, तो आंसर आपको एक्स में ही छोड़ना है, थीटा में नहीं छोड़ना है, थीटा की जगह पर मान रखना है। तो यहाँ से देखो, थीटा की जगह पर मान क्या आ जाएगा, साइन इधर के क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये थीटा की जगह रख दो साइन इनवर्स एक्स बट्टे में दो, दो दुनी चार। अच्छा, यहाँ साइन टू थीटा है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बट्टे में दो, दो से काटेंगे, दो दुनी चार, बट्टे में दो बचेगा, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स, और ये कॉस थीटा है, आपको पता है कि कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को आपने क्या माना है एक्स, यानी कि कॉस थीटा की जगह पे ये मान मैं रख सकता हूँ, यहाँ लग जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, सारा मान मैंने एक्स के पदों में निकाल दिया, ये आई वन सॉल्व हो गया। अब आई वन की जगह पर ये मान रख दोगे, और फिर प्लस में क्या कर दोगे, सी कर दोगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ये मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे और प्लस सी कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है, नहीं तो मैं कर देता, इतना तो कर लोगे ना, है कि नहीं दोस्त, कर लोगे इतना। तो आप बताइए, ये वाला मेथड अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा। ये देखो, ये सूत्र याद है, एक लाइन में काम खत्म, खत्म एक लाइन में काम। तो आपके पास चॉइस होगी कि आपको कान ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, समाकलन, एक समाकलन का जो क्वेश्चन है ना, दो तरीके, तीन तरीके, एक चार चार तरीके उसे भी हो जाते हैं, आपको वो तरीका चुनना है जो सबसे आसान हो, जिससे समय कम लग रहा हो, जिसमें जो कैलकुलेशन वो कम हो, वो तरीका आपको चुनना है। ठीक है, पेज भरने के नंबर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार जानदार, माना आई वहां हमारे पास है
शाइन इनवर्स एक्स का, अरे यार शाइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर है डी एक्स। तो इनवर्स वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इनवर्स वाले का नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, देखिए माना ये जो साइन इनवर्स एक्स को, इसको मान लेंगे कुछ, साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, यहाँ डी एक्स है, अब क्लोज करो, डी थीटा बट्टे डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो अपक्लच होता है वो होता है वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डीएक्स की जगह क्या हो जाएगा, डीएक्स कम डीएक्स ये गुणा हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे ऐसे दिक्कत हो जाएगी, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से और क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स अगर इधर आ जाए तो ये साइन थीटा हो जाएगा एक्स बराबर, इसको हम इधर लेके आ गए, यहाँ डी एक्स है, अब क्लच कर दो, यहाँ थीटा है ना, तो डी एक्स बट्टे डी थीटा कर दो, थीटा के सापेक्ष अब क्लच कर दो, साइन थीटा का क्लच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये डी थीटा इधर आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा डी थीटा, डी एक्स की जगह तुम क्या रख सकते हो, कॉस थीटा डी थीटा, थीटा की जगह रख सकते हो तुम साइन इनवर्स एक्स, या फिर एक्स की जगह क्या रख सकते हो, साइन थीटा। अब ये सारे मान उठाकर यहाँ रख दो, अच्छा प्रश्न है, साइन इनवर्स एक्स को क्या माना है अपने, थीटा माना है, तो ये हो गया थीटा का वर्ग, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक। ये सवाल अब ऐसा बन गया है, फर्स्ट एंड सेकंड वाला मेथड लगा देंगे, है ना, खंड समाकलन, तो क्या हो जाएगा, आई लेट एल्जेब्रिक पहले आता, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, ठीक है, लगाओ, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का समाकलन, माइनस समाकलन ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी थीटा, थीटा का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन। सो यहाँ देखो थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा, थीटा स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, टू थीटा, गुणा कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा, बाहर से क्या है, डी थीटा। इसको ढंग से लिखो, यहाँ पर है थीटा स्क्वायर साइन थीटा, टू बाहर आ जाएगा, और यहाँ लग जाएगा थीटा साइन थीटा, ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, ये एल्जेब्रिक पहले होता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, लगाओ, ये तो ऑलरेडी हल हो चुका है, इसको वैसे के वैसे रखेंगे, ब्रैकेट बड़ा वाला, क्या हो जाएगा, पहला वैसे का वैसे, फिर दूसरे का समाकलन, समाकलन पहले वाले का अवकलज, दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा, टू ब्रैकेट के बाहर है थीटा, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, थीटा का अवकलज क्या होता है, एक थीटा के सापेक्ष, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, बाहर से क्या डी थीटा। तो माइनस से गुणा करो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टू थीटा कॉस थीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव, ये आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा।
अच्छा ये दो भी तो है, दो की गुणा इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, थीटा स्क्वायर साइन थीटा टू थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है साइन थीटा, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी से कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट रहा है। अब हमें मान रखना है थीटा की जगह पे क्या रखना है साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा की जगह पे क्या रखना है एक्स, रख दो। और आप जानते हैं क्योंकि यहाँ कॉस थीटा भी है ना, आपको पता है चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हो एक्स, साइन थीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हो एक्स, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर्स एक्स में ही छोड़ना है ना, ये आप जानते हो। तो थीटा, थीटा की जगह पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, एक्स पावर में टू है लगा दिया, साइन थीटा की जगह पे क्या रखना है एक्स टू, थीटा की जगह पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की जगह पे है वन माइनस एक्स स्क्वायर टू, और साइन थीटा की जगह पे क्या है एक्स प्लस सी। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बार बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन है एक्स कॉस इनवर्स एक्स बट्टे में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भैया कॉस इनवर्स एक्स को मानने पे ना उसका अवकलन नीचे बैठा है, बैठा है ना, तो मान लो, माना क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं या टी मान लेते हैं, जो आपकी मर्जी है, टी मान लो कॉस इनवर्स एक्स को, टी एक्स एक्स के चाहे अवकलन करो, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस इधर आ जाएगा और डी एक्स ये हो जाएगा, तो इसके जगह पे ये मान रख सकता हूँ, इसके जगह पे माइनस के डी टी रख सकता हूँ, अतः जो इंटीग्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, देखो कॉश इसको तो आपने क्या माना टी माना है, तो कॉश इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा कॉस टी, इनवर्स आके गुणे में लग जाएगा, ठीक तो एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ कॉस टी, और कॉस इनवर्स एक्स को क्या माना है टी, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा माइनस के डी टी, माइनस बाहर ले लो डी टी, ये मैंने रख दिया। अब इसमें क्या लग जाएगा आई लेट वाला नियम लगाओ, आई लेट, ठीक है एल्जेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, ध्यान से टोटल के बाहर ऑलरेडी आपका क्या है माइनस कॉमन है, इसलिए ब्रैकेट लगा के मान रखना है, पहला गुणा दूसरे का समाकलन माइनस टी के सापेक्ष ना डी बटी डी, पहले का अवकलज गुणा दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन और ब्रैकेट बंद, यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ था यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया, सूत्र में रख दिया अभी सब मानों को हमने सूत्र में रख दिया, अब हल करेंगे देखो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टोटल के बाहर है टी, कॉस का समाकलन क्या होता है साइन टी, टी का अवकलज टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, और कॉस टी का समाकलन साइन टी होता है, और ये बाहर से क्या है डी टी, ठीक आगे हल करेंगे टी साइन टी माइनस ये क्या साइन टी कम साइन टी, हल करो टी
शाइन टी, शाइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टी, ठीक, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। अब हम मान रखेंगे, अब हम मान रखेंगे, तो देखो माइनस से अंदर गुणा करो, है ना, तो यहां पर टी का मान क्या है, टी का मान है कॉस इनवर्स एक्स, शाइन टी क्या हो जाएगा, देखो शाइन टी को मैं लिख सकता हूं, अलग से निकाल लिख देता हूं, शाइन टी, शाइन टी का मतलब है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी को आपने क्या माना है, एक्स माना है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मान रखो, तो शाइन टी की जगह पे क्या जाएगा, अंडर रूट के वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस टी की जगह पे क्या है एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में, माना I बराबर x एक स्क्वायर x dx, ठीक, चलिए आसान है, फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, आइलेट के नियम के अनुसार लगाते हैं, पहले वाला वैसे के वैसे गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज ई बट्टा डी एक्स पहले वाले का अवकलज गुणा दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद फिर पूरे का समाकलन। शेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन एक्स, सूत्र का खेल है सब, एक्स का अवकलज क्या होता है एक्स के सापेक्ष एक, शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स, बाहर से क्या डी एक्स, करो एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है लॉग शेक एक्स, क्या होता है लॉग शेक एक्स, इंटीग्रेशन का तुम सी जोड़ देंगे। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा जरूर देख सकते हैं। ठीक, लॉग शेक एक्स ना माइनस का होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, नहीं अगर मैं इसको कॉस में लिखता तो आता है, ठीक है, ये सही है, लॉग शेक एक्स ही होता है, ठीक है, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला है टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग, पॉजिटिव में लिखोगे ना तो शेक एक्स लिखते हैं, ठीक है, लॉग शेक एक्स, और अगर इसको नेगेटिव में लिखने होगे तो लॉग कॉस एक्स होगा, अगर इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो, ठीक है, ये दो फॉर्मूला है आपको बताऊंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, माना आई, ये हमारे पास क्या है टेन इनवर्स एक्स, क्या है टी एक्स, कभी भी जैसे लॉग एक्स आया था उदाहरण में, हमने लॉग एक्स वाला किया था ना, तो इसके गुणे में कुछ नहीं तो क्या मान सकता हूं मैं, एक, क्या मान सकता हूं एक, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको हमें इनवर्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था इसीलिए इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा और जो वन है उसको हमें सेकंड मानना पड़ेगा, ठीक, करते हैं इंटीग्रेशन, सूत्र लगाओ, पहला वैसे का वैसे वन डी एक्स, दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स कंडीशन क्या होता है एक्स, टेन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर,
और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाहर से क्या है डीएक्स। तो आप देखिए इसको मानने से ऊपर इसका अवकलज मिल रहा है, कैसे माना टी बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ जब क्लच कर दोगे तो वन का जीरो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स डी टी बट्टे दो, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, ये मान रखो यहाँ पर। तो एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टे दो, बट्टे का दो बाहर ले लिया, और वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या माना है टी, ये फॉर्मूला होता है। देखो दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या हो जाएगा ये लॉग टी इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे और लास्ट में क्या करना होता है टी का मान रख देना होता है। एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू लॉग टी का मान क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहां सी हमारा एक समाकलन नेतांक है, ठीक है जी। कोई भी अगर डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा जरूर देख सकते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है लॉग एक्स का क्या है होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे आसान एकदम। इंटीग्रेशन है आई मान लो, ठीक तो क्या हो जाएगा ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड, लगाओ नियम आई लेट के अनुसार ना लॉग वाला फर्स्ट हो जाएगा एक्स वाला सेकंड हो जाएगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ आई लेट लॉग पहले आता है एलजेब्रिक बाद में आता है, लॉग पहले आ जाएगा एलजेब्रिक मतलब एक्स वाला बाद में आएगा, ठीक है तो पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लग जाता है पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक गुणे में दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, सूत्र में रख दिया हमने। एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर बट्टे में दो होता है, यहां से देखो क्या होगा पहले सॉल्व पावर सॉल्व होगा टू सामने आएगा एक हद कम हो जाएगी टू लॉग एक्स, ठीक फिर लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है वन अपॉन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बट्टे में दो और ये बाहर से क्या है डी एक्स, ठीक इस दो से ये दो कट गया और एक हाथ यहां से कम हो गया। तो यहां से क्या बचा लॉग एक्स एक्स डी एक्स, ठीक तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, फिर से इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। लगाओ इसमें नियम फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वैसे का वैसा दूसरे का समाकलन माइनस ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ठीक है ये सूत्र में हमने रख दिया। आगे देखो तो ये है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टे में दो लॉग एक्स, एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में दो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है समाकलन लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है एक के बट्टे में एक्स और एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर बट्टे में दो, ये है डी एक्स, ठीक है आगे हल करेंगे।
ये चीज तो हो चुकी है, सिर्फ इसको हल करना है। तो यहां से देखो एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये दो बाहर आ जाएगा। तो यहां में मिलेगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टे में दो माइनस के लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बट्टे में दो, और एक के बट्टे में दो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन में करो, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टे में दो आ जाएगा और दो दुनी चार प्लस सी, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। जहां सी हमारा क्या दोस्तों, एक समाकलन नीतांक है। एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में दो, बट्टे का दो इसका और ये इसका दो, दो दुनी चार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स dx, है ना, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। तो क्या हो जाएगा, log x फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला सेकंड। लगाओ इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में, फर्स्ट वैसे का वैसे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का समाकलन। इंटीग्रेशन ब्रैकेट, पहले वाले का क्या होता है, अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, अच्छा एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर में तीन बट्टे में तीन, और वन डी एक्स कंडीशन क्या होता है, एक्स। ठीक, लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में एक्स, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन डी एक्स का एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स की पावर में तीन बट्टे में तीन डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, अब ये तो चलो सॉल्व हो चुका ऑलरेडी, लॉग एक्स और ये एक्स की पावर तीन प्लस एक्स, अलग अलग बट्टे में ले लेंगे तो एक्स से एक्स कटेगा एक बचेगा, एक्स एक्स कटेगा एक्स की पावर दो बचेगा। अब हमें इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, और इसकी पावर में एक्स की पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा, एक पावर बढ़ जाता है और वही पावर क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। इंटीग्रेशन का हम सी जोड़ देंगे, लॉग एक्स एक्स की पावर तीन प्लस एक्स, और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर तीन, तीन तीन नौ। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, शुरू होने से पहले खत्म हो गया, छोटा सा प्रश्न था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ई की पावर एक्स आ गया है, जब जब ई की पावर एक्स आएगा तो वो प्रमेय मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में, उसको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्या इंटीग्रेशन में आपके e की पावर x sin x प्लस cos x है कि नहीं। अगर आप देखेंगे ये हमारा क्या फंक्शन x है और ये उसका क्या है f dash x है, आप जानते हैं कि e की पावर x फंक्शन x प्लस f dash x किसके बराबर होता है इंटीग्रेशन में, वो होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो हम लिखोगे चूंकि, चूंकि कि जो हमारे पास फंक्शन x है वो क्या है sin x है, और उसका जो अवकलज है वो क्या है cos x, पूरा का पूरा मौजूद है, अतः आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा e की पावर x फंक्शन x, फंक्शन x क्या हमारे पास sin x,
प्लस सी, जहां सी हमारा क्या होगा, समाकलन नेतांक। आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ, फिर से आपको ई की पावर एक्स दिख रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई की पावर एक्स दिखते ही दिमाग में वो शुद्ध लग आना चाहिए कि क्या वैसे मैं बना सकता हूँ, और बनेगा जरूर। एक्स बट्टे में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, एक्स ऑलरेडी है, नीचे भी एक्स है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक जोड़ सकता हूँ और एक घटा सकता हूँ। फंक्शन में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर देखो, अलग अलग बट्टे ले लो, इसके बट्टे में अलग ले लो और इसके बट्टे में भी अलग ले लो। इसकी पावर एक, इसकी पावर दो, तो एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप खुद देखोगे कि भैया ये क्या है, फंक्शन एक्स है और ये उसका क्या है, अब कर लो जाए, है कि नहीं। अगर तुम इसको अवकलच करोगे तुम्हें ये पूरा मिलेगा, तुम्हें ये पूरा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। तो अवकलच क्या होता है, इसका अवकलच होता है कि पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो फंक्शन एक्स क्या है हमारे पास, फंक्शन एक्स हमारे पास है वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस सी, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। बस शर्त यही है कि इस फंक्शन का पूरा अवकलज होना चाहिए, पूरा, तभी ये नियम लगता है, नहीं तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में ना 5, 5, 8, 8 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, शानदार क्वेश्चन है, और 5 नंबर 8, 8 नंबर पूछा गया है। इंटीग्रेशन है की और एक्स, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, शाइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2, ठीक, और 1 + cos x को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 cos² x/2 लिख सकता हूँ, 2 cos² x/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, dx, सूत्र लगा दिया, इसके जगह पे ये लगा दिया और इसके जगह पे ये लगा दिया, जो कि आपको याद होगा पहले से ही। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे ले लेंगे, ठीक, 1 upon 2 cos² x/2 यहाँ पर है, 2 sin x/2 cos x/2, 2 cos² x/2। ये क्वेश्चन दिखने में जितना टफ लग रहा था उतना ही आसान है, यहाँ से दो कटा और यहाँ से एक पावर कटा, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x बाई टू बट्टे में 2, और sin x बाई टू cos x बाई टू क्या होता है, tan x बाई टू dx। अब आपका फिर से वो प्रमेय बन गया, ये आपका फंक्शन x है और ये उसका अवकलज m डैश x, क्योंकि tan x का अवकलज क्या होता है, tan x बाई टू है, tan x बाई टू का अवकलज sec स्क्वायर x बाई टू, x का गुणज क्या 1/2 है, 1/2 गुणे में, ठीक है। तो ये फंक्शन है और इसका पूरा अवकलज यहाँ दिख रहा है, तो प्रमेय के अनुसार इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x फंक्शन x प्लस c। तो e की पावर x फंक्शन x क्या है हमारे पास, tan x बाई टू प्लस c, जहाँ c हमारा समाकलन नितांक है। तो बड़ा बड़ा हाथी वाला क्वेश्चन धड़ाम से सॉल्व हो गया एकदम आसानी के साथ, और ये सिंपल सा क्वेश्चन बड़े बड़े 5, 5 नंबर में पूछा गया है, 8, 8 नंबर में। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये तो देखने से पहले ही हल हो गया, क्योंकि इसका अवकलज यहाँ मौजूद है, ये तो बनाया बनाया क्वेश्चन है, ठीक है ना, यह इंटीग्रेशन है, ये डी एक्स है, तो ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि आप जानते हो फंक्शन एक्स क्या है हमारे पास, 1/x, और इसका अवकलज क्या होता है, अगर इसको मैं लिख दूँ एक्स की पावर प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा, तो एन एक्स एन माइनस वन सूत्र होता है, तो माइनस टू इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस टू,
तो आप देख सकते हैं ये क्या हमारे पास एफ एक्स है और ये इसका क्या है पूरा अब क्लच मौजूद है, गुणे में एक ही पावर एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस सी। तो फंक्शन एक्स क्या है हमारे पास एक के बट्टे में एक्स प्लस सी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जा रहे हैं उस प्रमेय की मदद से। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि इसको खींचता रहूँ भाई आराम आराम समझाऊँ, है ना, टाइम को बर्बाद करूँ, ऐसा नहीं हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही रखेंगे, सिंपल ही बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब जब एक ही पावर एक्स तुम्हें दिखेगा ना तो दिमाग में वो प्रमेय आना ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ एक्स माइनस वन है, तो मैं इस प्रश्न को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बट्टे में क्या है एक्स माइनस वन की पावर थ्री है। अब अलग अलग बट्टे ले लो, क्या हो जाएगा, देखो एक की पावर एक्स, यहां से मैंने ले लिया एक्स माइनस वन और यह है एक्स माइनस वन की पावर तीन और यह है टू एक्स माइनस वन की पावर तीन डी एक्स, इसकी पावर एक इसकी पावर तीन, तो क्या होगा दोस्तों एक पावर क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक है डी एक्स, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको आंसर मिल चुका है कि भैया ये फंक्शन एक्स है और ये उसका पूरा का पूरा अवकलज है एफ डैश एक्स, क्योंकि इसका अवकलज ये होता है, इसको तुम अवकलज करोगे तुम्हें यही मिलेगा। करके दिखाऊं क्या, देखो हमारे पास फंक्शन क्या है एक बट्टे में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसे मैं ऊपर जाके लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन की पावर माइनस के टू, अवकलज करो एक्स की पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा, एन सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी कम हो जाएगी माइनस टू और माइनस का थ्री पावर नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का थ्री पावर। तो ये फंक्शन एक्स था, ये इसका पूरा अवकलज है, तो इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है एक ही पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस सी। तो फंक्शन एक्स क्या है हमारे पास एक के बट्टे में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, जहां सी हमारा क्या है दोस्तों एक समाकलन नितंक। हो गया क्वेश्चन, इतना आसान था, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आई हमारे पास है एक ही पावर में टू एक्स शाइन एक्स डी एक्स, आप जानते ही हैं कि भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में माने जाते हैं, लगाओ नियम। तो पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का समाकलन, समाकलन फिर पहले वाले का अवकलज, ठीक है पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन एक ही पावर टू एक्स डी एक्स फिर पूरे वाले का समाकलन। ठीक आई मान के चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा शाइन एक्स एक ही पावर टू एक्स का समाकलन एक ही पावर टू एक्स और एक्स का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। ठीक है शाइन एक्स का अवकलज क्या होता है कॉश एक्स, एक ही पावर टू एक्स का समाकलन एक ही पावर टू एक्स, एक्स का जो भी गुणज होगा वो बट्टे में आ जाता है डी एक्स, तो ये बट्टे का तो इधर आ जाएगा बाहर। ठीक और इसमें क्या लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर से अगर आप इस प्रश्न में आई ना मानो ना, अब मैं आई क्यों मान रहा हूँ बार बार पता लग जाएगा आपको, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड, अगर आई नहीं मानोगे ना तो ये प्रश्न दिन भर चलता रहेगा ठीक, लेकिन ख़त्म नहीं होगा कभी भी और आंसर भी कभी नहीं आएगा अगर आई नहीं मानेंगे तो। फिर से लगाओ फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहले वाला वैसे का वैसे गुण है दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज, ठीक फिर दूसरे वाले का समाकलन फिर पूरे का
समाकलन, सूत्र में मैंने रख दिया, सूत्र आपको याद होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा साइन एक्स की पावर 2x बट्टे में 2 और 1 बट्टे 2 कॉश एक्स की पावर 2x का समाकलन की पावर 2x, x का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ गया। यहाँ देखिए कॉश एक्स का समाकलन माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस इसको बना देगा प्लस, और की पावर 2x का समाकलन की पावर 2x, एक्स का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाएगा, यहाँ ले लिया मैंने, और बाहर से क्या है dx। ठीक, अब आप प्रश्न में देखेंगे कि ये चीज़ तो पहले ही दे रखी है और ये चीज़ फिर से दोबारा यहाँ आ गई है, यही तो प्रश्न है ना, दोबारा आ गया। तो इसके जगह पर समीकरण एक से क्या रख सकता हूँ मैं, आई रख सकता हूँ। अगर ये आई तुमने नहीं माना होता ना तो ये प्रश्न दिन भर चलता रहता, कभी आंसर ही नहीं आएगा। अब क्या हो जाएगा, इधर हमारा ऑलरेडी आई है, आई मतलब इसी इस इंटीग्रेशन का नाम हमने आई दे रखा है। ठीक, ये क्या है साइन एक्स की पावर 2x माइनस का 2, माइनस अंदर गुणा करेंगे 2 × 4, ऊपर है हमारे पास कॉश एक्स की पावर 2x। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस 2 × 4 बट्टे में, 1 बट्टे में 4, और इसकी जगह हमने क्या मान रखा है आई, इसकी जगह क्या आ जाएगा आई, तो माइनस के आई बट्टे 4 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के आई बट्टे 4। और यहां से अगर आप चाहो तो की पावर 2x माइनस निकाल दो, तो यहां से बचेगा साइन एक्स बट्टे में 2 कॉश एक्स बट्टे में 2, इंटीग्रेशन खत्म है ना, सी जोड़ दो, यहां से आ जाएगा 4 × 1 5i/4। ठीक, तो यहां पे 4 है ना, 4 तो लॉस ऑफ लो, या यही रहना दो, ऐसे ही रहना दो, 4 ले लो, 2 × 4 तो 2 बार जाएगा 2 sin x, और यहाँ आ जाएगा cos x। हमें i का मान निकालना है तो यहाँ आ जाएगा 4/5 की पावर 2x 2 sin x माइनस cos x बट्टे में 4। जो कांस्टेंट की गुणा होती ना वो बस फंक्शन के साथ ही होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, शानदार जानदार क्वेश्चन है। साइन इनवर्स बाहर दिख रहा है तो अंदर आपको पता है साइन के टर्म में लाना है, 2x बट्टे में 1 + x² है, x की जगह पे क्या मानना पड़ेगा tan थीटा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है साइन इनवर्स 2x 1 + x² dx। ओके, तो मैं मान लेता हूँ, माना एक्स बराबर tan थीटा, ठीक, थीटा बराबर क्या हो जाएगा इधर आकर tan इनवर्स x, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब क्लच करेंगे इसका थीटा के सापेक्ष, तो dx बट्टे d थीटा, tan थीटा का क्लच क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो dx की जगह पे मैं रख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, अतः समीकरण एक से। क्या हो जाएगा जो इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बार है, मान रखेंगे हम 2 tan θ 1 + tan²θ, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2θ का, और ये है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स साइन हटा, क्या बचा 2θ, 2 बाहर आ जाएगा, थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। इसमें क्या लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकंड, एलजेब्रिक हाईलाइट, एलजेब्रिक पहले आता है, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। इंटीग्रेशन करो, 2 कांस्टेंट है बाहर है टोटल के, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट
पहले वाले का अपक्लच, पहले वाले का अपक्लच, दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। थीटा शेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 थीटा। फिर थीटा का अपक्लच थीटा के सापेक्ष 1, इसका अपक्लच क्या हो जाएगा? 10 थीटा। सॉरी, समाकलन क्या हो जाएगा? 10 थीटा। शेक स्क्वायर थीटा का समाकलन 10 थीटा होता है, और बाहर से क्या है? डी थीटा। 2 थीटा, 10 थीटा, और 10 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग कॉस थीटा होता है प्लस में, सॉरी सेक थीटा होता है, लॉग सेक थीटा। ठीक, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। अब आपको थीटा की जगह पर मान रखना है, ठीक है, मान रखो। तो 2 थीटा की जगह पर मैं क्या रखता हूँ? 10 इनवर्स x, और 10 थीटा की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? x। 10 थीटा की जगह पर x, लॉग sec थीटा। अब जानते हैं sec थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और 10 थीटा को आपने क्या माना है? x, x स्क्वायर। तो sec थीटा की जगह पर ये मान मैं रख सकता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। देखो, एक्स क्यूब को आप क्या मान लो? टी मान लो, क्योंकि उसका आपका आपको दिख रहा है। टी माना आपने एक्स क्यूब को, डी टी बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। ये जो 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और डी एक्स बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर आप डी टी बट्टे 3 इसकी जगह पर क्या रख सकते हो? डी टी बट्टे 3। ई एक्स की पावर 3 को आपने टी माना है, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? डी टी बट्टे का 3 इधर आ गया। ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी होता है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, और लास्ट में क्या करते हैं? टी का मान रख देते हैं। टी आपने किसको माना है? एक्स की पावर 3 को। तो ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा, 1/3 ई की पावर एक्स क्यूब। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया आपने। अगला क्वेश्चन है, देखो शेक एक्स अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा शेक एक्स, और ये हो जाएगा शेक एक्स इंटू 10x। ये फॉर्मूला बन गया, ई की पावर एक्स, ये क्या है? फंक्शन एक्स। शेक एक्स का अपक्लच क्या होता है? शेक एक्स इंटू 10x। ये फॉर्मूला होता है ना, प्रमेय है। तो ये हमारा क्या है? फंक्शन एक्स है, और ये उसका क्या है? अपक्लच। शेक एक्स का अपक्लच क्या होता है? शेक एक्स इंटू 10x। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा दोस्त? ई की पावर एक्स फंक्शन एक्स, फंक्शन मेरा क्या है? शेक एक्स। ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर। तो ई की पावर एक्स शेक एक्स, ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी उदाहरण आप देखेंगे ना, ये सारे मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, हम जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ये सारे उदाहरण मैंने करा दिए। तो आशा करता होगा इस वन शॉट वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया वो आप समझ गए होंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, बड़े नंबर में। ठीक है, एक नंबर में ही आ सकता है, और एक बड़े नंबर में भी आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन खोल कर जरूर देखिए। टेलीग्राम में इसका सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री में, डेली में वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, मॉडल पेपर भी देता हूँ। वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, चैनल पर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।